नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन होगा आपका नेट जारब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं कभी कोई पूछ देता है माइकल पोर्टल का जेनरिक वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये जो होगा सेमेस्टर एम कॉम सेमेस्टर के लिए होगा, साथ में एम बी ए के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और साथ में बी बी ए में भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। तो फिलहाल ये एम कॉम का प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आप अपने हिसाब से इसको इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन द बीसीजी मैट्रिक्स व्हाट इज द रिकमेंडेड स्ट्रेटजी फॉर द क्वेश्चन मार्क्स, है ना। अब आपको बता दें कि बीसीजी मैट्रिक्स होता क्या है। बीसीजी मैट्रिक्स में बेसिकली हम लोग एक मैट्रिक्स होता है जहां पे मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ की बात करता है, ठीक है ना। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें चार होते हैं। पहला होता है स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्टार का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारा मार्केट, देखिए ऊपर का जो है मार्केट शेयर है और इस साइड की चीज़ें क्या है, मार्केट ग्रोथ है, ठीक है ना। तो जब हमारा मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों हाई रहेगा तो उस सिचुएशन को हम लोग स्टार बोलेंगे, ठीक है ना। और जब हमारा मार्केट शेयर लो रहेगा और ग्रोथ हाई रहेगा तो हम उसको बोलेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। मतलब मार्केट में तो शेयर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जगह पे नहीं है, लेकिन ग्रोथ उसका एक पर्टिकुलर जगह पे अच्छा है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन मार्क बोलेंगे, ठीक है ना। और जहाँ पे मार्केट शेयर हाई हो लेकिन उसका ग्रोथ रेट क्या हो, लो हो, ठीक है ना, उसे हम लोग कैश काउ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैश काउ बोलेंगे। और जहाँ पे मार्केट शेयर और ग्रोथ दोनों लो हो उसे हम लोग डॉग का सिचुएशन बोलेंगे। तो बीसी मैट्रिक्स में बोलता है क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, आपका जहाँ पे मार्केट शेयर लो होता है तो मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए हमें हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आपको अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 6394991271 पे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नेट जारब का प्रिपरेशन करना होगा तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है सेकेंड क्वेश्चन कि विच मैट्रिक्स प्रोवाइड ए मोर डिटेल फ्लेक्सिबल एनालिसिस ऑफ ए कंपनीज बिजनेस पोर्टफोलियो, है ना। कह रहा है कि कंपनी के बिजनेस के पोर्टफोलियो अगर हमें समझना हो तो कौन सा मैट्रिक्स हमें ज़्यादा रियलिस्टिक, ज़्यादा बेटर लगता है। तो आपको बता दें जो आपका जीई मैट्रिक्स है और जो एनसॉफ मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बारे में हम आपको एक बार दिखा देते हैं, जीई मैट्रिक्स और एनसॉफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो एनसॉफ मैट्रिक्स हालांकि ऊपर था, ठीक है ना, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए ये है आपका जीई मैट्रिक्स, जहाँ पे 9 जैसे 3 होता है ग्रीन और 3 येलो और 3 रेड होता है। ग्रीन का मतलब आप इसमें आप सिचुएशन को चलाए रहोगे, येलो में मतलब आप थोड़ा, मतलब जो ग्रीन आपका ट्रैफिक लाइट नहीं होता वो उस चीज़ होता है, इसको जीई मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और आपका जो हम बताए थे कि एनसॉफ, एनसॉफ में क्या होता है कि 5 पॉइंट पे देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एम्बोरिक ग्रोथ और मेच्योर एजिंग पे देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी सिचुएशन है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन पूछा क्या है कि जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल एनालिसिस करता है, तो ये दोनों करता है, बट इसमें ज़्यादा आ जाएगा आपका मैकेंजी का ना, मैकेंजी मैट्रिक्स, जीई मैकेंजी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैकेंजी किस ईयर में किए थे, 1970 में किए थे, ठीक है ना, और दो लोगों ने मिलके किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो में बताया गया है, तो इसलिए डोंट वरी, परेशान मत होइए। चलिए व्हाट इज़ द वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि वह इंटीग्रेशन जिसमें हम लोग बेसिकली सेम जो हमारा सप्लाई चेन होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें 5 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ठीक है। और आज स्टेज 3 वाला आप काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद 4, 5 कोई और करता है, 1, 2 कोई और करता है। तो जब आप 2 वाला भी काम स्टार्ट कर देंगे, 4 का 5 का 1 का भी काम ले लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, है ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन उसको बोलेंगे, ठीक है। मतलब सेम ही लेवल, आप ऐसे समझिए कि आप मक्खन बनाने की कंपनी है जिसमें आप बना बनाया मक्खन आप बेचते हो, अब मक्खन आप बनाने भी लगिए तो क्या हो जाएगा, मतलब उसी लाइन में हो ना, उसी सप्लाई चेन में लाइन में, उसको बोलेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली वर्टिकल इंटीग्रेशन में, वर्टिकल इंटीग्रेशन में हम लोग एक्वायरिंग कंपनी एट द सेम लेवल, मतलब जो हमारा सप्लाई चेन होता है सेम कंपनी होती है, उसी को हम लोग अगर कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं, जो हमारा एक काम था हमने 2 काम और स्टार्ट कर दिया उसी लेवल का, ठीक है ना।
और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि सेम इंडस्ट्री सेम, जैसे नमक बनाने वाली कंपनी दूसरी नमक बनाने वाली कंपनी के साथ कोलाबरेशन करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक, मतलब सेम लेवल पे रहेंगे तब, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कंपटीटर द सेम इंडस्ट्री और मार्केट, तो फोर का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ये देखेंगे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का जो प्राइमरी गोल होता है, इसे क्या होगा कि जैसे अलग अलग, जैसे मान लेते हैं मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ठीक है ना, दोनों लोग बुक बेचते हैं सेम कंपनी का। जैसे मान लीजिए हमारा बुक है, हमारा ही बुक दो लोग बेच रहे हैं। अब दोनों लोग अलग अलग कंपटीशन, जैसे हमने सपोज किया कि 200 पर बुक के हिसाब से उन्हें दे दिया, अब कोई 220 बेच रहा है तो उसके बगल वाला कर रहा है नहीं 210 कर रहा है, 10 तो फायदा मिल रहा है, फिर जब ये ऊपर वाला 210 आ रहा है तो करते हैं 205 के बेचेंगे, अब इसे नुकसान है। तो दोनों बोलते हैं चलो आपस में मिल के काम करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि मार्केट शेयर इंक्रीज होगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। फाइव का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एडवांटेज ऑफ द वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन से क्या फायदा होता है कि जो हमारा सप्लाई चेन होता है उसमें ग्रेटर कंट्रोल हमारा हो जाता है, ठीक है ना। मतलब होता है ना कि एक तरीके से जीरो से लेकर लास्ट तक सेल सर्विसेज के बाद भी जो सारी चीज़ें होती है सब कुछ हमारे ही अंडर कंट्रोल है ना। जैसे मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, सर्विस कोई और दे रहा है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों एक ही लोग देने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन के फायदा, ठीक है। चलिए सेवन नंबर देखेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल डिसएडवांटेज, है ना, डिसएडवांटेज की बात कर रहा है ऑफ द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। देखिए अब होगा क्या ना, पोटेंशियल की बात कर रहा है कि जब सेम लेवल की कंपनी आपस में मिल जाती है तो दोनों का जो मतलब पोटेंशियल था वो कम हो जाता है। जैसे आप देखोगे घर में कि दो लोग हैं, आंटी हैं और मम्मी हैं, ठीक है, जब दोनों एक साथ रहते हैं ना काम धीमा हो जाता है, लेकिन वही दोनों अलग अलग होते हैं तो दोनों अपने के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं ना, मतलब पोटेंशियल लेवल क्या हो जाता है उनकी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल लेवल क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, ठीक है, ये डिसएडवांटेज। और जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये तीनों क्या है, एडवांटेज है सेवन का, ठीक है ना। चलिए एट नंबर देखेंगे, विच इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व एक्सपेंडिंग इनटू डिफरेंट स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन, है ना। मतलब एक ही इंडस्ट्री के जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे सप्लाई चेन का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार बोल रहा है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल की कंपनी होनी चाहिए और सॉरी सेम प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है, सेम प्रोडक्ट का अलग अलग कंपनी से कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसमें एक ही कंपनी को होगा, एक ही प्रोडक्ट के जो अलग अलग स्टेज थे उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। और आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि जब हम काम किसी और को दे देते हैं करने के लिए तो उसे हम लोग आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और डाइवर्जिफिकेशन में जहाँ पे कंग्लोमरेट पढ़ते हैं ना, इसका डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे तो वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कंग्लोमरेट, कंग्लोमरेट का मतलब क्या होता है, टोटल अनरिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन, जैसे टाटा साल्ट का टाटा आयरन के साथ इंटीग्रेशन हो जाए, है ना, वो उसको कंग्लोमरेट बोलते हैं। अभी डिफरेंट में हम लोग पढ़ेंगे जो कॉन्सेप्ट की वीडियो होगी तो उसमें डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वो वीडियो अपलोड होगा आपको। व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन, है ना। अब ध्यान रखना, पहले तो इस स्ट्रेटजी को कैसे पहले फ्रेमवर्क करेंगे, फ्रेमवर्क करने के बाद उसको जब अप्लाई करने, मतलब ये स्ट्रेटजी बन चुका है, अप्लाई करने की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारे इंप्लॉय होंगे, जो हमारे स्टेक होल्डर होंगे, उस स्ट्रेटजी का क्या बेनिफिट होगा, उस स्ट्रेटजी का क्या नुकसान होगा, उससे आपको क्या फायदा हो सकता है फ्यूचर में, उन सब के बारे में उन्हें कम्युनिकेट करोगे, उनको बारे में बताओगे, ठीक है ना। चलिए टेन नंबर देखेंगे, व्हाट इज द स्ट्रेटजिक कंट्रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हमने दिया, जो हमने स्ट्रेटजी को अप्लाई किया कंपनी में, अब वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका मॉनिटरिंग करते रहना टाइम टू टाइम कि हमने जो उतना पैसा लगाया तो उसके हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मॉनिटरिंग करना होता है ना, मॉनिटरिंग एंड असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ द स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, 11, व्हाट इज द कॉमन टूल यूज फॉर द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। जनरली हम लोग क्या करते हैं, बेंचमार्किंग करते हैं। बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी कंपनी और दूसरी कंपनी है तो आप दूसरी कंपनी का एक स्टैंडर्ड सेट होगा कि इतना बेटर क्वालिटी है तो हम भी क्या करेंगे, उससे बेटर क्वालिटी देंगे तभी तो हमारा बिकेगा। तो हम बेंचमार्किंग का मतलब ये होता है कि दूसरे की प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को कंपेरिजन करना और अपना प्रोडक्ट उससे बेटर बनाना, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग के जरिए हम लोग चेक करते हैं
कंट्रोल करते हैं कि उससे बेटर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 12 नंबर है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्ट्रेटजिक कंट्रोल, है ना। अब कह रहा है कि स्ट्रेटजिक कंट्रोल का प्राइमरी गोल क्या होता है बेसिकली, कि हमें ये देखना है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है उस ट्रैक पे हम सही राह पे हैं कि नहीं है, ठीक है ना। टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन द ट्रैक टू अचीव इट्स स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखेंगे ध्यान से, 13 नंबर पहले इसको सीधा कर लिया जाए। चलिए व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पुअर स्ट्रेटजी कंट्रोल, है ना। अगर आप स्ट्रेटजी कंट्रोल आपका बेटर नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका गोल होगा जो भी आपका टारगेट होगा उसको अचीव करने में आप फेल कर जाओगे, ठीक है। और ये जो तीनों फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये बेनिफिट होते हैं ना, मतलब स्ट्रेटजी कंट्रोल के बेनिफिट होते हैं और नुकसान यही होता है, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आप देखेंगे, 14 नंबर व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन द स्ट्रेटजिक कंट्रोल। अब जैसे कोई फीडबैक आता है तो हम उसमें फीडबैक में क्या आपकी अच्छाइयाँ क्या लैकने से वो चीज़ें पता चलती हैं, मतलब हमारा जो परफॉर्मेंस वगैरह है सही है कि नहीं है, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हमारा प्रोग्रेस परफॉर्मेंस अच्छा है या फिर नहीं। चलिए 15 नंबर देखेंगे ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की टेक्निक ऑफ द स्ट्रेटजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, है ना। मतलब किस तरीके से हम लोग वही जो ऊपर था कि टेक्निक की यूज्ड वही चीज़ें यहाँ पे क्या रहेगा बेंचमार्किंग करेंगे, बेंचमार्किंग के जरिए हम लोग अब दूसरे के से कंपेरिजन करते हैं कि हमारा बेटर है या फिर नहीं, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बेंच मार्किंग इन स्ट्रेटजिक इवेल्युएशन। जब हम स्ट्रेटजिक इवेल्युएशन करते हैं कंट्रोलिंग करते हैं तो बेंच मार्किंग का जो यूज करते हैं, तो बेंच मार्किंग में हमने वही बताया कि दूसरे की कंपनी से हमारा बेस्ट होना चाहिए, उससे हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं ना, और हमारा हमेशा क्या होना चाहिए इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इन्होंने किया क्या है कि एक टॉपिक उठाया तो उसी से 10 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। चलिए इन स्ट्रेटजिक इवेल्युएशन व्हाट इज द बैलेंस स्कोर कार्ड, है ना। बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे आपकी कोई कंपनी है उसमें 10 काम है, ठीक है, तो 10ों काम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है ना। वो चीज़ें जैसे घर में दो बच्चे हैं तो दोनों पे प्रॉपर उनको फूड न्यूट्रिशन सही चीज़ें मिल रही कि नहीं मिल रही, पता चला किसी एक को अच्छा मिला किसी दूसरे को नहीं मिला तो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब ये होता है कि हमारा फाइनेंशियल पोजिशन कंपनी में ठीक है कि नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं है, हमारा इथिकल वैल्यू सही है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। मतलब ओवरऑल हमारी सारी चीज़ें सही चल रही है या फिर नहीं चल रही, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए 17 का क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेहेंसिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क दैट द इंक्लूडेड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्या है, व्हाट इज द केपीआई, केपीआई का पूरा नाम क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, है ना। तो वही है कि जब हम इवेल्युएशन करते हैं कंट्रोल करते हैं तो चेक करते हैं कि हमारा ओवरऑल सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, तो उसको हम लोग केपीआई ना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के जरिए इंडिकेट करते हैं कि किस हिसाब से हमारा हर एक एरिया में सभी एरिया में हमारा बिजनेस ग्रोथ है या फिर नहीं। ए प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, है ना, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एक हमें व्यू मिलता है कि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग शॉर्ट एनालिसिस, है ना। शॉर्ट एनालिसिस आपको बता दे SW जो होता है इंटरनल कंट्रोल, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, और जो आपका अपॉर्चुनिटी थ्रेट होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। ये चीज़ें अभी भी आपको पता होना चाहिए। जो इन्वायरमेंट की अगर बात है तो इन्वायरमेंट दो टाइप के होते हैं ना, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल में दो आता है, माइक्रो एंड माइक्रो, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। माइक्रो में क्या आ जाएंगे, जैसे सप्लायर कंपटीटर्स वगैरह आ जाएंगे, माइक्रो में आ जाएंगे कस्टमर वगैरह, ठीक है। माइक्रो में क्या हो जाएंगे, जैसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो पेस्टल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली माइक्रो एनालिसिस ही करने के लिए हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो 19 का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, टू आइडेंटिफाई एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, है ना। आप कहोगे सर स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देखते हैं, ठीक है, बट मेन उसका पर्पज होता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस तो हमारा होता है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जो मार्केट में जो कैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से भी चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग शॉर्ट एनालिसिस का यूज करते हैं, पेस्टल एनालिसिस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखेंगे, विच टेक्निक इन्वॉल्व कंपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विथ इंडस्ट्री एवरेज और द बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि देखते हैं कि फाइनेंशियल बेंचमार्किंग करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस बेटर है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं दूसरे से कंपेरिजन करते हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल बेंचमार्किंग उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए 21 देखेंगे ध्यान से,
व्हाट इज वन ऑफ द कॉमन चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन फेस ड्यूरिंग द स्ट्रेटजिक एंड इम्प्लीमेंटेशन, है ना, मतलब सॉरी स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन कह रहा है, जब हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो कॉमन हमारे पास क्या चैलेंजेज आती हैं। तो चैलेंजेज ये होता है कि हमने जो भी स्ट्रेटजी को अप्लाई किया है वो सही ढंग से है ना, मतलब हमारे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से है कि नहीं, है ना, मतलब अलाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स एंड एक्शन विद द चूजन स्ट्रेटजी, मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स है और हमने जो स्ट्रेटजी को सेलेक्ट किया है दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चैलेंज होता है कि सही है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए 22 देखेंगे ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू रिलेटेड टू द स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन, है ना, मतलब स्ट्रेटजी को जो इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या इशू होता है। इशू ये होता है कि जिस स्ट्रेटजी को मैंने कस्टमर को, सॉरी हमारे यहाँ जो इम्प्लॉई हैं, जो अथॉरिटी हैं, है ना, उनको सारी चीज़ें मैंने पता चला, वो छोड़ के चले गए, फिर नए आएंगे, फिर उनको बताना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं लैक ऑफ द इम्प्लॉई बाय इन एंड कमिटेड, है ना, कमिटमेंट, है ना, मतलब जो कमिटेड इम्प्लॉई नहीं होते हैं, आते जाते रहते, उससे हमें इशू करना पड़ता है अपनी स्ट्रेटजी को बार बार इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है ना। चलिए 23 देखेंगे ध्यान से, वट कैन हैपन इफ देयर इज ए लैक ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड चूजन स्ट्रेटजी, मतलब वही चीज है कि हमने जो स्ट्रेटजी को चूज किया, सेलेक्ट किया, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू है, नॉर्म्स है, जिस हिसाब से हमारा स्ट्रेटजी काम करता है, हमारे यहाँ का वैल्यू सिस्टम है जैसा काम करता है, पता चला हमारे पास रिसोर्स कम है, हमने स्ट्रेटजी चूज कर लिया हाई वाला, तो दिक्कत होगा ना। तो अगर ऐसा मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस टू चेंज हो जाएगा, मतलब कोई भी आप चेंज करोगे उसमें रेसिस्टेंस करेंगे लोग, उसको विरोध में आ जाएंगे, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट फेलर हो जाएगा, मतलब आप जो भी अप्लाई करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, वो फेल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 24 आ जाएगा आपका, व्हाट रोल डज लीडरशिप प्ले इन द एड्रेसिंग इशू ड्यूरिंग द स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जब हम हमारे पास स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो लीडरशिप की क्या क्वालिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये हो जाता है आप चीज़ों को भी अपने इजी वे में लोगों के सामने कम्युनिकेट कर पाते हो, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को अप्लाई इम्प्लीमेंट कर पाते हो, ठीक है ना। तो किसी के अंदर अगर लीडरशिप की क्वालिटी है तो बहुत सारे सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, ठीक है ना। तो इफेक्टिव लीडरशिप कैन हेल्प द ओवरकम द रेसिस्टेंट टू चेंज, है ना, मतलब पहले आप उनको लीडरशिप क्वालिटी के जरिए क्या करोगे कि उनको उसके बारे में बेनिफिट बताओगे कि अगर ये चेंज होता है थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, है ना, स्ट्रेटजी अप्लाई करने से आप लोगों का काम का थोड़ा सा बर्डन होगा, लेकिन इस अगर ये सीख जाओगे तो आगे आपको कभी जॉब में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा, इस तरीके से वो उनको बेनिफिट बताओगे तो क्या करेंगे, चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, रेसिस्टेंस नहीं करेंगे, रेसिस्टेंस मतलब होता है रोकना, ठीक है ना। चलिए 25, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेटिंग स्ट्रेटजिक प्लान इनटू द स्पेसिफिक एक्शन एंड टास्क, है ना, जब हम कोई भी टास्क को, स्पेसिफिक एक्शन को अप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजिक एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन बोलेंगे। फॉर्मुलेशन मतलब होता है बनाना, कम्युनिकेशन मतलब होता है उसके बारे में बताना, एडॉप्शन का मतलब होता है कि जैसा सिचुएशन उसके हिसाब से स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करना, उसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक एडॉप्शन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आएगा। विच इशू इज द स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड टू एबिलिटी टू अडॉप्ट द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जैसे आप अपनी स्ट्रेटजी बनाए हो, पता चला ऐसा अनवांटेड थिंग्स हो गया जो आप सोचे ही नहीं थे, तो अब उस सिचुएशन को हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी को फिर से बनाना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे सभी लोग अपना ऑफलाइन बिजनेस शुरू कर रहे थे, लेकिन अचानक से कोविड आया तो सभी को ऑनलाइन में आना पड़ा, मतलब सिचुएशन के हिसाब से। जैसे स्ट्रेटजी होता है रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है पहले से चीज़ों को रेडी रहना, रिएक्टिव का मतलब होता है कि जैसा सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे, मतलब एडॉप्ट करेंगे। तो आपका हो जाएगा 26 का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यह पीडीएफ आपको अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सएप करोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलिंग टू द एड्रेस इशू इन स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन, वही है कि जब हम स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो शुरुआती में क्या दिक्कत होती है, तो यही दिक्कत होती है कि जो हमारे स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना, अगर मतलब अगर हम सही ढंग से नहीं उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो फेल हो जाते हैं, मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं ना। 27 का क्या हो जाएगा आपका, 3rd हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है 28, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजन स्टेटमेंट, ठीक है ना, मतलब विजन स्टेटमेंट मतलब हम कहाँ जाना चाहते हैं,
और जो विजन उसको बोलते हैं, मिशन का मतलब होता है कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस पर्पस से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको मिशन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव टारगेट क्या होता है कि मतलब वो ईयरली होगा, मंथली होगा, कि इसके बेसिस पे हम मतलब मिशन के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव और टारगेट बोलते हैं, ठीक है, या गोल बोलते हैं, ठीक है ना। और मिशन जनरली 4 साल 5 साल 10 साल का होता है, विजन लास्ट होता है पॉइंट कि फ्यूचर में हमें कहाँ जाना होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका 28 का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, टू प्रोवाइड ए क्लियर एंड इंस्पायरिंग पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर, ठीक है ना। चलिए, और जो पहला बता रहे हैं तो वैल्यू सिस्टम बताता है ना, गोल और ऑब्जेक्टिव तो पता ही है, और जब हमें अपकमिंग क्वार्टर में कितना, ये भी आपका गोल का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए 28.9 देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन। मिशन स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारी होती है, ठीक है ना, और हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए, बट वो किसके पर्पज की, क्यों हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, क्यों हम एग्जिस्ट करते हैं, ये मेन होता है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट भी लॉन्ग टर्म ही होता है, बट ये बताता है कि रीजन कि एक्चुअल में हम ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप किए हैं, एग्जिस्टेंस उसका बताता है। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। 30 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिपिकली फाउंड द विजन, मतलब आपको इसमें से पहचानना है कि इसमें विजन कौन है। वी एम टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय 20% नेक्स्ट ईयर, है ना, तो ये तो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, है ना, गोल हो जाएगा। अवर एम्प्लॉय आर द मोस्ट वैल्यूएबल, मतलब ये तो आपके मतलब एक इंटरनल पार्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथ पॉइंट हो जाएगा। टू बी द ग्लोबल लीडर इन द सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, मतलब जो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है उसमें हम ग्लोबल लीडर बनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विजन स्टेटमेंट होगा, ठीक है ना, और नहीं तो मिशन के बारे में बोला ही है। चलिए 31 हो जाएगा आपका, व्हाट डज ए मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, जो हमारा कंपनी का कंपटीटिव एडवांटेज बेनिफिट मिलेगा, है ना, मतलब मिशन की हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, मिशन स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए 32 देखेंगे, 32 से पहले इसको सीधा कर लिया जाए। चलिए, हु इज़ द प्राइमरी ऑडियंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विजन, है ना, विजन मिशन के जो प्राइमरी ऑडियंस होते हैं, है ना, तो बेसिकली कौन होते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, ठीक, और स्टॉक होल्डर होते हैं, और इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे प्राइमरी ऑडियंस होते हैं बेसिकली वो कौन होते हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं ना, मतलब वही तो हमारी चीज़ों को, हमारे एम्प्लॉई होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे विजन मिशन को समझते हैं कि इनका मिशन क्या है, है ना। जैसे होता है ना कस्टमर की, जानते हो इस कंपनी का अगर प्रोडक्ट परचेज करोगे तो इसका मिशन है कि देश की सेवा करना, है ना, तो इस तरीके से, और इसका मिशन है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी ना रहे, तो इस अच्छा लगता है कि तब लोग उसको अपने आप उसका प्रमोशन करते हैं कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके मेन कौन ऑडियंस होते हैं, कौन उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका, विच स्टेटमेंट एम, 32 विच स्टेटमेंट एम मोर विद द विजन। अब कह रहा है इसमें चारों में से आपको बताना कौन विजन हो सकता है। अवर वैल्यू गाइड अवर डेली एक्शन एंड डिसीजन, ये तो वैल्यू सिस्टम हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। अवर गोल इज एक्सपैंड इनटू 5 न्यू मार्केट बाय द नेक्स्ट ईयर, है ना, ये तो हमारा टारगेट हो गया कि अगले पाँच नया मार्केट में हम लोग चलेंगे अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो नेक्स्ट ईयर में, तो ये आपका टारगेट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। टू एम रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना, जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा उसको, ये भी आपका टारगेट है, गोल है कि ऑपरेशनल चीज़ों को कॉस्ट को कम करना। टू बी रिकॉग्नाइज एज द मोस्ट एथिकल कंपनी इन द इंडस्ट्री, कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारी कंपनी होगी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी होगी, मोस्ट एथिकल होगी, तो ये आपका ज़्यादा बेटर होगा ये विजन स्टेटमेंट के हिसाब से, कि पूरे वर्ल्ड में हमारी जो कंपनी होगी वो बेटर कंपनी होगी, इथिकली कंपनी होगी, ठीक है ना। तो ऐसा जो सिस्टम बनाएंगे उसे हम लोग विजन स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द टिपिकली टाइम फ्रेम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विजन। विजन हमेशा उसका इंडेफिनिट पीरियड के लिए होता है, उसका लाइफ अनलिमिटेड होता है, 5 साल से ज़्यादा जो होता है वो बेसिकली मिशन स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। हाउ ऑफन शुड ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड विजन स्टेटमेंट भी अपडेटेड, कह रहा है कि कितने टाइम के बाद हम अपने मिशन स्टेटमेंट को चेंज करना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, इनडिफिनिट टाइम के बाद हमें चेंज करना होता है विजन को, ठीक है ना। अगर चेंज करना होता है तो मतलब वो तो सॉरी चेंज ही नहीं होता बेसिकली विजन, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आ गया, वर्स्ट सिचुएशन आ गया कि हमने जो सोचा था उसी हिसाब से चीजें एकदम हो ही नहीं रहे हैं, तब हमें मतलब कुछ मेजर क्राइसिस हो जाते हैं, उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, जब बहुत मेजर क्राइसिस होते हैं तब अपने हम विजन और मिशन को क्या करते हैं, विजन और मिशन को चेंज करते हैं, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे थर्ड पुट दोनों आंसर सही है, बट थर्ड ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना। चलिए 36 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द मिशन स्टेटमेंट फॉर द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से आपको बताना है कि इसमें कौन मिशन स्टेटमेंट है। टू प्रोवाइड एफोर्डेबल वेकेशन, अब वेकेशन तो कस्टमर को देंगे नहीं हम, है ना। टू डिलीवर हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज टू आवर कम्युनिटी, ये आपका मिशन हो सकता है, ठीक है। टू बिकम द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ऐसा तो कुछ हेल्थ केयर के पॉइंट अभी उससे है नहीं है क्वेश्चन। मैक्सिमाइज शेयर होल्डर प्रॉफिट इन द एनी कॉस्ट, ये भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मिशन स्टेटमेंट कि सोसाइटी में जो लोग हैं उन्हें बेटर हेल्थ की क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। चलिए 37 देखेंगे। व्हाट डज वेल क्राफ्टेड विजन एंड मिशन स्टेटमेंट हेल्प एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर अंडरस्टैंड, है ना। तो जनरली होता क्या है इसमें कि 37 में आपका कि जो हमारा मिशन और विजन होता है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना, शॉर्ट टर्म नहीं होगा, डे टू डे नहीं होगा, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग टर्म के डायरेक्शन होता है ना, मतलब कि एक डायरेक्शन होता है, एक पाथ होता है ना। विजन क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है कि एक्चुअल में हमें कहाँ जाना है, ठीक है ना। और मिशन का मतलब होता है हम क्यों एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या हमारा नॉर्म्स है, ठीक है। चलिए 38 देखेंगे ध्यान से। 38 आपका यूनिट 2 का रेशनल डिसीजन मेकिंग का सारा, अब 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द रेशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। रेशनल डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, आपके पास जो भी डेटा होगा आप क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल डिसीजन मेकिंग बोलेंगे, ठीक है ना। इमोशन एंड इंट्यूशन में, तो इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, जहाँ पे आप अपने फीलिंग, है ना, आपको प्रॉब्लम पता नहीं है लेकिन वहाँ पे आपका कॉमन सेंस यूज करके आंसर देना पड़ेगा, उसको हम लोग इंट्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका 39 हो जाएगा। विच स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग मॉडल इम्फेसाइजेज एडॉप्टिंग टू एक्सटर्नल चेंज बीइंग फ्लेक्सिबल इन द स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट, तो इसको आपको बता दें कि एक्सटर्नल चेंज मतलब जैसा चेंज रहेगा उसके हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे, तो हो जाता है एडॉप्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एडॉप्टिव। इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे बड़ा डिसीजन लेते हैं ना, पहले छोटा छोटा काम करते करते, ठीक है। नॉर्मेटिव को साइमन भी बोला जाता है ना, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग की बात की जाती है, सॉरी क्रिएटिव की बात की जाती है। 40 नंबर देखेंगे। विच स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग मॉडल सजेस्ट दैट द डिसीजन मेकिंग डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू कंप्लीटेड इन्फॉर्मेशन एंड मस्ट रैली ऑन इंट्यूशन एंड जजमेंट, मतलब जहाँ पे सारा हमें डेटा पता नहीं होता है फिर भी हमें डिसीजन वहाँ पे लेना होता है, तब हमें अपना कॉमन सेंस, जो हमारे इंटरनल गट्स होते हैं, है ना, जजमेंट होते हैं, जितना हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे डिसीजन लेना होता है, तो इसे हम लोग इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है ना। तो 40 का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए 41 हो जाएगा। इन इंक्रीमेंटल डिसीजन मेकिंग, वही मैंने बताया कि आपको पहले स्मॉल मतलब छोटे छोटे डिसीजन लेने होंगे, उसके बेसिस पे बढ़ते बढ़ते आपको लार्ज डिसीजन, बड़े डिसीजन की तरफ बढ़ना होता है, ठीक है ना, उसको इंक्रीमेंटल बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक एक स्टेप कर करके आपको आगे बढ़ना होता है। व्हाट डज द नॉर्मेटिव डिसीजन, जिसको साइमन ने दिया था, डिसीजन मेकिंग मॉडल इम्फेसाइज इन द स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, तो नॉर्मेटिव में बेसिकली होता क्या है कि हम एक अपना स्टैंडर्ड सेट करते, नॉर्म सेट करते हैं, उस नॉर्म से स्टैंडर्ड में अगर गाइडलाइन के अंदर आते हैं तो हम डिसीजन देते, नहीं आते हैं तो उस डिसीजन को नहीं एक्सेप्ट करते। तो आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, 42 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 43 देखेंगे। इन द इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग मॉडल व्हाट प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वही होता है कि आपके अंदर जो गट्स होती है, पर्सनल जजमेंट होता है, फीलिंग होती है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन देना होता है, ठीक है ना। चलिए 44 देखेंगे। व्हाट डज द एडॉप्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल एम्फेसाइज रिगार्डिंग द स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट, जब एडॉप्टिव की बात आएगा तो जहाँ पे चेंजेस की बात करेंगे, है ना, तो जहाँ पे एम्ब्रेसिंग चेंजेस, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी की जब बात रहेगा तो वहाँ पे हम लोग एडॉप्टिव डिसीजन मेकिंग को मतलब अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। विच मॉडल सजेस्ट दैट द स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग इज एन द ऑन गोइंग इंटरटिव प्रोसेस रेदर देन वन टाइम फ्रेम, है ना, मतलब जहां पे बात करेगा कि एक बार में पूरा डिसीजन लेना है, धीरे धीरे प्रोसेस में आपको डिसीजन लेना होता है, उसे हम लोग इंक्रीमेंटल डिसीजन मेकिंग मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका। इन द रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल व्हाट इज द रोल ऑफ द इमोशन, इसमें कोई रोल नहीं, मतलब यहाँ पर रेशनल डिसीजन डेटा रहेगा, फैक्ट रहेगा, वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से आपको आंसर देना होगा, डिसीजन लेना होगा, तो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं होता। देर आर नॉट कंसिडर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब आपका पर्सनल फीलिंग, है ना, एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं, वहाँ पे आपको डेटा दिया रहेगा उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होता है, ठीक है ना। चलिए 47 आपका हो जाएगा।
व्हाट इज द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से हम लोग यह चेक करते हैं कि इन्वायरमेंट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, किस तरीके के प्रोडक्ट का डिमांड चल रहा है, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, है ना। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मॉनिटरिंग एंड गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना, बेसिकली कि एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जो मार्केट में है वो किस तरीके से इस समय काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इंटरनल हमारे कंट्रोल में होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। Which of the following is not considered the external, कर रहा है इसमें से कौन external factors नहीं है, है ना, ध्यान रखिएगा, economic condition, political, technical तो हैं, organization, culture आपका जो होता है वह internal का part होता है, ठीक है ना। What is the primary goal of the environmental scanning? Environmental scanning का जो primary purpose होता है वह देखना होता है कि जो external opportunity और threats होते हैं उसको anticipate करना होता है, उसको अनुमानित करना होता है कि किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और उस हिसाब से हम अपने अपने भी मार्केट में ट्रेंड को सही करें, उस हिसाब से हम अपने भी प्रोडक्ट को उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर होता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इंडस्ट्री ट्रेंड, नहीं ये नहीं सही है, ठीक है, मतलब आपको लगेगा, इसलिए इसको पढ़ दिए क्योंकि आपको लगेगा नहीं ये भी सही हो सकता था, ठीक है ना। तो लेकिन देखो मेन आपका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को देखते हैं, ठीक है, चलो उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेते हैं। What does the pestle analysis aim to? The pestle analysis मतलब वही political, है ना, legal, economical, social, technological, ये आपका external micro factors होते हैं, ठीक है ना। चलो 51 हो जाएगा। Which environmental scanning tool focus on the analyzing and the organization, है ना, strength, weakness, opportunity और threat की बात करेगा, SWOT analysis होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग व्हाट द इकोनॉमिक कंडीशन, है ना, इकोनॉमिक कंपोनेंट क्या होते हैं पेस्टल एनालिसिस में, तो जो हमारे कंट्री के इकोनॉमिक इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट जीडीपी की बात करेगा वो बेसिकली इकोनॉमिक एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। 53 है आपका हाउ ऑफन शुड ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली कंडक्ट इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, तो बेसिकली जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होता है हम कंटिन्यूसली बेसिस पे टाइम टू टाइम हमेशा एक लोगों को लगाए रहते हैं, अपनी टीम लगाए रहते हैं कि कैसा मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, तो कंटिन्यूसली पीरियोडिक बेसिस पे करते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए विच रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग असेस द फैक्टर्स लाइक डेमोग्राफिक कल्चरल ट्रेंड की बात करेंगे, तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स होता है जिसको हम लोग सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट बोलते हैं, सोशल एनालिसिस की बात करेगा जहाँ पे जेंडर ये सारी चीज़ें की बात करेगा, ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कॉम्पिटिटिव बेंच मार्किंग, कॉम्पिटिटिव बेंच मार्किंग का मतलब क्या होता है कि हमें चेक करना होता है, कंपेरिजन करना होता है दूसरे का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके हिसाब से हम अपने आप को भी एडजस्ट करेंगे, तो आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, कंपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग विद इट्स कंपटीटर्स, ठीक है। चलो पहले तो इसे किया जाएगा सीधा, अरे फिर से सीधा करना है। चलो 56 देखेंगे हाउ कैन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बेनिफिट एन ऑर्गेनाइजेशन, करा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कितना फायदेमंद होता है, तो ये फायदा होता है कि जो हमारे एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज होते हैं, थ्रेट्स होते हैं, एंटिसिपेशन होते हैं, वो हमें पता चल जाता है, तो 56 का क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी की जब भी बात आएगा जहाँ पे चीज़ें वैल्यूएबल हों, जहाँ पे रेयर की बात किया जाए, है ना, जहाँ पे यूनिकनेस की बात की जाए, जिसके बेसिस पे कोर कॉम्पिटेंसी मतलब ऐसा क्वालिटी जो दूसरे के अंदर नहीं है उसे हम लोग कोर कॉम्पिटेंसी, जिसके यूनिक, जैसे आपका डोमिनोज का पिज्जा है कि 30 मिनट के अंदर अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको नहीं दे पाएंगे तो फ्री में देते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से एप्पल का जो मोबाइल है उनके इतना यूनिक क्वालिटी, इतना हाई कॉस्टली होता है कि कोई और नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो यूनिक की बात करेगा वो कोर कॉम्पिटेंसी की बात करेंगे, ठीक है ना। कोर कॉम्पिटेंसी ऑफन कंसीडर, कोर कॉम्पिटेंसी बेसिकली जो होता है हमारा लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट मिलता है ना, कोर कॉम्पिटेंसी से क्या होता है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी, कोर जहाँ पे यूनिकनेस है ना, पोटेंशियल की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे, है ना, यूनिक पोटेंशियल सॉरी पेटेंटेड की बात करेंगे, है ना, कि ऐसा पेटेंट जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है विच कॉन्सेप्ट ऑफन द एसोसिएटेड विद द कोर कॉम्पिटेंसी, देखो एक टॉपिक उठाए उसी से 10 क्वेश्चन दे देते हैं। तो कोर कॉम्पिटेंसी में मतलब कॉस्ट लीडरशिप की बात करेंगे, है ना, मतलब कॉस्ट टू इमिटेट, मतलब ऐसा रहे कि दूसरा उसको कॉपी ना कर पाए, उस कॉस्ट पे दे ही ना पाए, ठीक है ना। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द लिवरेजिंग कोर कॉम्पिटेंसी इन द डाइवर्जिफाइंग, है ना, 60 नंबर का, ठीक है, डाइवर्जिफाइंग ए
कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग, ठीक है ना। तो 61 का आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पे कम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, कोर कम्पिटेंसी, मतलब सॉरी कोर कम्पिटेंसी क्या होगा कि कंपनी को जो कम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब ये होता है कि आप अपनी बेटनी सर्विसेज बेटर रखो कि दूसरा भी मार्केट में है उसके कस्टमर उसके यहाँ आए थे लेने के लिए और आपके यहाँ आ गए लेने के लिए, कि उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं थी, बोले चलो बगल वाले से देख लेते हैं और आपके लिए तो हमेशा आपके यहाँ से परचेज करने लगे, तो इसको बोलते हैं कम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना। देखते ना कि जहाँ पे कोई शॉप होती है हजारों शॉप उसी जगह पे होता है, तो फायदेमंद होता है कि जिसका बेटर रहेगा उसका ज्यादा अच्छा चलेगा। हाउ डू कोर कॉम्पिटेंसी डिफर फ्रॉम दी अदर, तो वही है जहां पे वैल्यूएबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, डिफिकल्ट टू इमिटेट, मतलब दूसरा कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द आइडेंटिफाइंग एंड लिवरेजिंग कोर कॉम्पिटेंसी इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, है ना। तो कोर कॉम्पिटेंसी बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं उसका सॉरी कंपटीटिव एडवांटेज हमें मिलता है उसको, है ना, क्रिएट सस्टेनेबल कंपटीटिव एडवांटेज, ठीक है। ये कंपटीटिव कोर कॉम्पिटेंसी से हमें कंपटीटिव एडवांटेज मिलता है, ठीक है। चलिए 64 देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द स्ट्रेटजिक एनालिसिस इन द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, है ना। जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में, है ना, उसका मेन पर्पज क्या होता है, तो उसका मेन पर्पज ये होता है कि जो हमारे एम्प्लॉई जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं बेसिकली वह मतलब जो हम वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, फिर उसके लिए हम जो स्ट्रेटजी चूज किए हैं और किस टाइप की स्ट्रेटजी को ऑप्शन को ढूंढा जा सकता है, इट मींस आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजिक ऑप्शन एंड मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, ना कि हम किस तरीके से चूज कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है ना। चलिए 65 देखेंगे, चलिए 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप इन द शॉर्ट एनालिसिस फ्रेमवर्क यूज द स्ट्रेटजिक एनालिसिस, वही है बेसिकली किस पर्पज से करते हैं, इवेल्यूएटिंग एक्सटर्नल जो थ्रेट्स होते हैं अपॉर्चुनिटी होते हैं उसके पर्पज से हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। चलिए 66 देखेंगे, अब सोचो शॉर्ट एनालिसिस में बोलता है टी का मतलब क्या है, थ्रेड्स होता है, फिर भी कुछ लोग बच्चे टेक्नोलॉजी पे लगा देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन द स्ट्रेटजिक चॉइस प्रोसेस, है ना। इसमें क्या हो जाएगा आपका कि कंपटीटर जो स्ट्रेंथ होते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि कैसा है, उसके बेसिस पे हम अपने अपने स्ट्रेटजी को क्या करेंगे, है ना, अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक रणनीतिक चयन में एक कदम स्ट्रेटजिक स्टेप इन द स्ट्रेटजिक चॉइस प्रोसेस, ठीक, मतलब वही है कि जब चॉइस करेंगे देखेंगे कि किस तरीके से कंपटीटर अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, है ना। अब आपको बता दें कि ये जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी थी ये किसने दिया था, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी माइकल पोर्टल का जेनरिक रूल्स है, तीन है, कॉस्ट लीडरशिप, है ना, डिफरेंशिएशन एंड फोकस्ड, तीन होता है ना, ध्यान रखना। माइकल पोर्टर का थ्री जेनरिक नाम क्या है, नाम क्या है उसका कि कॉस्ट लीडरशिप, है ना, डिफरेंशिएशन एंड फोकस्ड, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली कि हम अपने प्रोडक्ट को या तो डिफरेंट करेंगे या इतना लो कॉस्ट पे बनाएंगे कि दूसरा ना बना पाए, ये सारी चीज़ें होती है। ऑफरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद द यूनिक फीचर के साथ होना चाहिए, डिफरेंशिएशन में क्या होना चाहिए, यूनिक फीचर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस मतलब जो आपका जेनरिक से ही क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है ना, मतलब दूसरा इतना लो कॉस्ट पे बनाओ और इतना बेटर क्वालिटी का बनाओ कि दूसरा कोई कॉपी ही ना कर पाए, ठीक है ना। चलिए 70 देखेंगे, विच स्ट्रेटजिक चॉइस अप्रोच इन्वॉल्व एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना। अब देखिए वही चीज़ें आ गया यहाँ पे कि जब हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाना चाहेंगे, है ना, नए मार्केट में, देखिएगा अगर हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना, देखिए यहाँ पे है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में रहेगा तो उसको बोलेंगे मार्केट पेनिट्रेशन, है ना, और जब हमारा नया प्रोडक्ट रहेगा और एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च करेंगे उसको बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना। जब हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में अगर लॉन्च करेंगे तो उसको बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट। तो यहाँ पूछा क्या था, ये देखिएगा एनसॉप का मॉडल है, ठीक है ना, कि जब हम लोग बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में उतारने के लिए, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में जब हम उतारते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट। आपको कॉन्सेप्ट का भी वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। व्हाट इज द कॉमन गोल ऑफ द, मतलब प्लेलिस्ट में जाओगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द, अभी बना के डालेंगे, व्हाट इज द कॉमन गोल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, है ना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली क्या करते हैं डाइवर्सिफिकेशन में, कि ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि नए लोग नए मार्केट में नए आ पाए, ठीक है ना। टू रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशन रिस्क एंड इंटरिंग द न्यू मार्केट, मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दो अपने मार्केट को कि दूसरा भी उसमें आने की कोशिश करे कि अरे इतना पहले से ऑलरेडी है और हम उसको कैसे कम्पीट कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए 72 देखेंगे। What is the primary purpose of the BCG ना, Boston Consulting Group Matrix है ना। इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम लोग कि Boston Consulting Group में कि देखते हैं कि हम competitive advantage और product जो business units होता है वो किस तरीके से हमारा market share है, market growth क्या है, उसके हम लोग evaluate मतलब उसको check करते हैं, assess करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका इन बीसीजी मैट्रिक्स व्हाट डज द स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हाई ग्रोथ और हाई मार्केट होता है उसे स्टार बोलेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे हाई ग्रोथ लो मार्केट रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे कैश काउ, और जहाँ पे लो मार्केट लो ग्रोथ रहेगा उसे बोलेंगे डॉग का सिचुएशन, जहाँ पे लो ग्रोथ और हाई मार्केट रहेगा उसको कैश काउ बोलेंगे, और जहाँ पे हाई ग्रोथ और लो मार्केट रहेगा उसे हम लोग क्वेश्चन मार्क बोलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें पता होना चाहिए आपको। चलिए 74 देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ दी जी मैकेंजी मैट्रिक्स, है ना। मैकेंजी का देखिए प्राइमरी जो मेन फोकस था बेसिकली मैकेंजी ने दिया था, सॉरी पोर्टल का तो 5 पोर्टल मॉडल भी है, 5, जहाँ पे थ्रेट टू न्यू इंट्रेंट्स है ना, ये है थ्रेट टू न्यू इंट्रेंट्स है, ठीक है, और बार्गेनिंग पावर टू बायर्स है, ठीक है, बार्गेनिंग पावर टू सप्लायर है, नेचर ऑफ द राइवलरी ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है ना, और लास्ट क्या है आपका थ्रेट टू सब्स्टिट्यूट, एक इसका था माइकल पोर्टर का 5, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है जी मैकेंजी का ना, सॉरी हाँ मैकेंजी का था बेसिकली कि जो मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर है इसी को इम्प्रूवमेंट किया था ना। तो बेसिकली क्या था कि सेल्स मार्केट में हमारा जो ज़्यादा देखिए, अच्छा यहाँ पे जी मैकेंजी का आपको दिखा भी देते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जी ई मैकेंजी का इसमें मिलेगा, ठीक है, चलिए मैकेंजी का दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये तो आंसर आपका है बोस्टन के बाद होगा मैकेंजी का, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे ना, जहाँ पे मार्केट ग्रोथ है ना अट्रैक्टिवनेस की बात करेगा और साथ में बिजनेस ग्रोथ, जहाँ पे है ना हॉरिजॉन्टल पे बिजनेस ग्रोथ, वर्टिकल पे अट्रैक्टिवनेस की बात करेगा, तो मतलब ओनली बस मार्केट ग्रोथ की बात नहीं करेगा, इसमें और सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। किस तरीके से है ना, एक कौन से फैक्टर से अट्रैक्टिवनेस, मतलब जिससे हम अट्रैक्ट होंगे उसके बिजनेस के लिए कि कितना अच्छा बिजनेस है, और स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ मतलब उसका मार्केट में शेयर कितना ज़्यादा है, मार्केट किस तरीके से उस शेयर का ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या है, ब्रांड इमेज क्या है, इससे क्या होता है मार्केट स्ट्रेंथ पता चलता है, ठीक है ना। तो ये डिटेल एनालिसिस मतलब ये पता होता है, ठीक है ना। 4th नंबर, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कितना हमने किया है उसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा बीसीजी मैट्रिक्स। ये तो एकदम फालतू क्वेश्चन है, बीसीजी मैट्रिक्स में कैश काउ का मतलब क्या होगा, जो कैश काउज होगा, तो बस सोचिए ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कैसा आपको और कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, बिकॉज आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।